प्यारे साथियों, अगर आज हम पोर्न इंडस्ट्री की जानिब नजर दौड़ाएं, तो हमें ऐसी लाखों लड़कियां मिलेंगी जो इस जहन्नुम के गड़े में दाखिल हो चुकी हैं और अपनी मुस्तकिल सजा झेल रही हैं। लेकिन इन लड़कियों में से बाज पोर्न स्टार्स ऐसी भी हैं जो इस दलदल से निकलने में कामयाब हो गए, जिनमें से एक नाम मिया खलीफा का भी है। लुबनान में पैदा होने वाली मिया खलीफा ने अक्टूबर 2014 में पोर्नोग्राफी में कदम रखा और पोर्नोग्राफी की एक वेब पोर्न हब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मिया सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। कैरियर का यह इंतखाब इसे महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से इसे मशरक़ वुस्ता में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्नोग्राफिक सनत को खैरबाद कह दिया और इसके साथ ही पोर्न इंडस्ट्री के मुतल्लिक ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए जो किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। और यही वो इंकिशाफात हैं जिनको हमने आज की वीडियो का मौजू बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप पोर्न इंडस्ट्री के खुफिया हकायक से वाकिफ हो सके। नज़्म-ए-गिरामी, पोर्न इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद मिया खलीफा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, जिसमें वो बताती है कि सबसे पहले उसे मॉडलिंग की ऑफर हुई थी और जिस शख्स ने मुझे मॉडलिंग की ऑफर की थी उसने मुझे कहा कि आप दिखने में अच्छी हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं उस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे एक और बड़ी ऑफर देते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फैश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फैश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में खलीफा मजीद बताती है कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग या कमर्शियल की ऑफर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपको फैश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मिया खलीफा ने बताया कि मैं पैसे के लालच में इनकी बातों में आ गई और फैश फिल्मों के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इसके बाद जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती है कि मैंने सिर्फ 3 महीने फैश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फैश फिल्में बनाई और मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मिया खलीफा अपने इंटरव्यू में आगे चलकर बताती है कि जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम शख्स की समझ से बाहर होती है। और जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया था तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं उस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों का एहसास होना शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने दिली दिल में सोचा कि मैं छुपकर काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लुबनान से था और वहां के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी वायरल हो जाएंगी और पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट्स ने मेरी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही तरखा दिया गया। मिया खलीफा बताती है कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से थक चुकी तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और इसके बाद विकिपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फैश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मिया खलीफा कहती है कि मुझे पहली बार हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरी इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं उनको इनकार ना कर सकी और हिजाब के साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी। और उस दिन से लेकर आज तक ये वेबसाइट्स मेरे नाम पर लाखों डॉलर कमा रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 ही दिए गए हैं और मैं नहीं जानती कि अब ये लोग कब तक मेरे नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। मिया खलीफा मजीद बताती है कि एक वीडियो बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से सेक्स करने का कहा जाता था कि मैं सुनकर कांप जाती थी, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं उनको इनकार नहीं कर पाती थी। और उन सब बातों से खतरनाक बात ये कि इन फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये सब हकीकत है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सब झूठ पर मबनी होता है इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में उनके घर तक तबाह हो जाते हैं। जबकि अब मैं खुद भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं
और मैं अब जहां भी जाती हूं तो लोग मुझे बुरी नजरों से ही देखते हैं। उसने बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बार छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देते और आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। नजरग्रामी याद रहे कि इस इंडस्ट्री के खिलाफ बगावत करने वालों में मिया खलीफा के अलावा लीना रोड्स का नाम भी शामिल है, और हाल ही में लीना रोड्स की जानिब से दिए गए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि मैंने सिर्फ 8 माह फैश फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे और इस दौरान मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़े जिनकी वजह से मेरी ज़हनी सेहत शदीद मुतासिर हुई। मुझे डिप्रेशन का आज़ल लाहक हो गया और ज़हन में खुदकुशी के ख्याल आने लगे और मैं अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती थी। उसने मजीद बताया कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में इस मुख्तसर कैरियर ने मेरी ज़हनी सेहत को इस कदर तबाह किया कि तवील इलाज के बाद भी मैं अपनी सेहत संभाल नहीं पाई। लीना रोड्स ने बताया कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं को इंतहाई शदीद नोयत के मनाजिर अक्स बंद कराने पर मजबूर किया जाता है, जिनमें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और कभी कभार ये तकलीफ इस कदर बढ़ जाती है कि कुछ अदाकाराएं दौरान शूटिंग ही बेहोश हो जाती हैं। उसने बताया कि ऐसा ही एक वाकया हमारी साथी फैश अदाकारा जियाना ड्योर के साथ पेश आया था, जो शूटिंग के दौरान मुख्तलिफ अंदाज से सेक्स करने की वजह से बेहोश हो गई थी, और जब वो होश में आई तो उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। उसने बताया कि जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो मालूम हुआ कि इसमें विटामिन B12 की कमी वाकई हो चुकी है और इसका जिस्म इसी विटामिन की कमी की वजह से मफलूज हुआ है, जिसके बाद वो कई माह तक बीमार रही और तवील इलाज के बाद उसका जिस्म दोबारा हरकत करने के काबिल हुआ। लीना को उस इंटरव्यू में मजीद कहना था कि फैश फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर ने मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी है और अब मैं जहां भी जाती हूँ तो लोग मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं, और अब मैंने इंडस्ट्री तो छोड़ दी है मगर इसके मनफी असरात ताहाल मेरे साथ हैं और शायद इनसे मेरी कभी जान ना छूट पाए। मैं समझती हूं कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में काम करना उम्र कैद की सजा के मुतरादिफ है, लिहाजा जो खवातीन इस इंडस्ट्री में आने का सोच रही हैं, मैं उन्हें नसीहत करूंगी कि इस तरफ आने का ख्याल जहन से निकाल दें, क्योंकि ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी खुशनुमा है अंदर आने पर मालूम होता है कि ये इससे कहीं ज्यादा तारीख जगह है। वो बताती है कि मुझे 12 साल की उम्र से ही फैश फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक लाहक था, लेकिन मैं इस पेशे में सिर्फ 8 महीने ही गुजार सकी और अब तक इन 8 माह की तल्ख यादें मेरा पीछा कर रही हैं। 24 साला लीना रोड्स ने बताया कि बाहर के लोगों को लगता है कि फैश फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि फैश फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकारों को इंतहाई कम मुआवजा दिया जाता है, और मैं भी फैश फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ही अमीर हुई हूँ। लीना रोड्स ने बताया कि जब मैंने इस